हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि केमिस्ट्री में क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 जो चल रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो पहले चैप्टर नंबर 2 था उसका नाम था सॉल्यूशन, और जो चैप्टर नंबर 1 था वो था सॉलिड स्टेट। क्योंकि जो सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है वो हट गया है, हट गया, तो इसका मतलब हमने जो लास्ट क्लास में बात की थी, क्या बताया था? चालक बताया था। चालक के दो प्रकार बताए थे, एक तो बताया था धात्विक चालक और एक बताया था वैद्युत अपघटनीय चालक। क्या बताया था? वैद्युत अपघटनीय चालक बताया था, ये हमने लास्ट क्लास में बताया था। और एक आवेश बताया था कि आवेश क्या होता है, ठीक है। और जो अब हम बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि चालकता क्या होती है। चालकता, तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि चालकता होती क्या है, चालकता, ठीक है। तो एक वर्ड है चालकता क्या होती है, जो वैद्युत धारा में, जो धारा में प्रवाहित होने की शक्ति, किसमें? धारा में प्रवाहित होने की शक्ति। और मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि चालकता होती क्या है, धारा में प्रवाहित होने की शक्ति, धारा में प्रवाहित होने की शक्ति, होने की शक्ति को क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। जो तार है, ये क्या है? एक तार है। इस तार में जितनी धारा बहेगी वो धारा की जो बहने की, प्रवाहित होने की जो शक्ति होगी उसको कहते हैं दोस्तों चालकता। क्या कहते हैं? चालकता, ठीक है। धारा में प्रवाहित होने की शक्ति को कहते हैं चालकता। जो चालकता होती है ये होती है धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनीय चालक, ये तो हुए चालक। पर लेकिन चालकता भी इसी की तरह दो प्रकार की होती है, पहली होती है धात्विक चालकता और दूसरी होती है वैद्युत अपघटनीय चालकता। पहली का नाम है धात्विक चालकता, धात्विक चालकता, और दूसरी का नाम है वैद्युत अपघटनीय चालकता, ठीक है, वैद्युत अपघटनीय चालकता। तो अब हम बताएंगे कि धात्विक चालकता क्या होती है और वैद्युत अपघटनीय चालकता क्या होती है। तो अब इसका मतलब समझने होगा, धात्विक का मतलब कुछ धातु से है, धातु का मतलब धातु से, और वैद्युत अपघटनीय का मतलब कुछ आयन से है, किससे? आयन से है, जिनमें प्रति एकांक क्षेत्रफल, जब हम क्षेत्रफल को कर दें, जब दोस्तों इसमें धातु आ रहा है तो धातु का कुछ क्षेत्रफल हो सकता है, क्या हो सकता है? क्षेत्रफल। पर लेकिन इसमें आयन आ रहा है, जैसे कि पानी के अंदर आयन होते हैं ना, तो इसमें आयन, जिसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आयतन, और इसमें आएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल। इसमें प्रति एकांक क्षेत्रफल में धातु के अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातु के अंदर आयन नहीं होते, धातु के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। गैस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर क्या है? वैद्युत अपघटनीय के अंदर आयन। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में, क्या? प्रति एकांक क्षेत्रफल में, जब क्षेत्रफल को कर दें एकांक, और प्रति एकांक क्षेत्रफल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहा मैंने? प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को धात्विक चालकता कहते हैं। तो इसका मतलब समझ सकते हो, धातु के अंदर क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसमें एकांक क्षेत्रफल नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें आयतन तो आएगा नहीं, क्योंकि क्या है? ये धातु है, धातु का आयतन थोड़ी होता है, आयतन तो होता है पर लेकिन इसमें ना तो इसमें एकांक का क्षेत्रफल ही तो देखा जा सकता है। पर लेकिन इसमें पानी जैसा होगा, इसमें आयन होंगे, ऐसे पानी में, हमने पानी के अंदर आयन होते हैं ना H+ और OH-, तो जैसे आप समझ सकते हो इसमें क्या होता है? प्रति एकांक आयतन में किसकी संख्या? आयतन में किसकी संख्या? आयनों की संख्या। प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में किसकी संख्या? आयनों की संख्या, में आयनों की संख्या। प्रति एकांक आयतन में किसकी संख्या? आयनों की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटनीय चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटनीय चालकता कहते हैं। तो आप समझ सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था चालक क्या होते हैं, जिन पदार्थों में करंट बहुत आसानी से आता है उन्हें चालक कहते हैं। चालक दो प्रकार के, धात्विक चालक, वैद्युत अपघटनीय चालक। जिनमें करंट मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण आता है उन्हें धात्विक चालक, जिनमें करंट आयनों के कारण आता है उन्हें क्या? वैद्युत अपघटनीय चालक, ठीक है। और जैसे ये चालकता क्या होती है? धारा में प्रवाहित होने की शक्ति को चालकता कहते हैं।
चालकता विद्युत प्रकार धातुक चालकता वैद्युतक बढ़नी चालकता। धातुक चालकता क्या होती है? प्रति एकांक क्षेत्रफल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या धातुक चालकता कहलाती है, वैद्युतक बढ़नी चालकता कहलाती है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।